हम सफर एक ऐसा दोस्त जो तिरसठ सालों से लगातार हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा है जी हां मैं बात कर रही हूं दूरदर्शन की दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं है वो हमारे परिवार का सदस्य सा लगता है इसीलिए तो दूरदर्शन बहुत ही गर्व से कह रहा है कहता है कि खेत के लहलहाते फसलों में हम अंतरिक्ष के उपग्रहों में हम जन सरोकार में हम आपके मन और विचार में हम दूरदर्शन बहुत ही गर्व के साथ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है 15 सितंबर उन्नीस को पहली बार दूरदर्शन से कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला अनवरत जारी है और इस प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो दूरदर्शन को सबसे अलग सबसे भिन्न करती है वो ये है कि दूरदर्शन ने शिक्षा और विज्ञान के विजन को गांव की पगडंडियों पर अंकुरित किया है जी हाँ यानी जो शहर है गांव है उसे एक साथ लाया है और तभी जो विकास की गति है वो धीरे धीरे लगातार तेज होती जा रही है और हम सारे दूरदर्शन के जो कर्मी हैं जो कर्मचारी हैं वो बहुत गर्व महसूस करते हैं और हम अपने आप को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है साथ ही साथ तमाम दूरदर्शन के जो दर्शक हैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई आज हम अपने कार्य कार्यक्रम में दूरदर्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करेंगे दूरदर्शन की जो यात्रा रही है उसका जिक्र करेंगे उन वृत्तांतों का जिक्र करेंगे जो जो माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हुए हैं लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों आप तो जानते हैं ना कि हम आपको सबसे पहले एक सकारात्मक विचार से रूबरू कराते हैं ताकि आप अपने दिन की शुरुआत उस विचार के साथ करें उसे जीवन में उतार कर करें तो आज जो विचार हम आपके लिए लेकर आए हैं वो विचार जो हैं वो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के हैं बहुत विजनरी थे वे उन्होंने एक बहुत ही सटीक वाक्य कहा है कि वो इस बात को Uh, स्वीकार करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम बदल नहीं सकते हैं और हमें वो जैसे है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए तो चलिए देखते हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने कहा था मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के दिन की खासियत की मैं बात करूं तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कुछ कुछ घटना हैं और ऐसे दिवस भी हैं जिसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है तो आज है संचायिका दिवस जी हाँ संचायिका यानी सेविंग्स तो इसे इसलिए मनाया जाता है ताकि स्कूली बच्चों में सेविंग्स की जो प्रवृत्ति है उसे बढ़ाने की कोशिश की जाए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे जब आगे चलकर अपना जीवन जीना शुरू करते हैं उस वक्त उनके दिमाग में ये चीज़ स्थापित रहे कि बचाना यानी सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है और आज इसे हम स्कूल बैंकिंग डे के नाम से भी मनाते हैं तो ये तो एक खासियत हो गई मैं दूसरी खासियत की बात करूं तो आज का दिन जो है वो बहुत खास इसलिए भी इसलिए भी है क्योंकि आज इंजीनियर्स डे हैं यानी अभियंता दिवस है एम विश्वेश्वरैया जिन्हें हम सब जानते हैं कि उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था उनकी इंजीनियरिंग यानी जो अभियंत्रिकी में उन्होंने जो योगदान दिया था भारत के परिपेक्ष में उस लिहाज से आज आ, आपको बता दें कि आज उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पूरा दूरदर्शन परिवार भी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और जब कार्यक्रम की शुरुआत की मैंने तो दूरदर्शन का जिक्र किया कि हम खेत के लहलहाते फसलों में हैं अंतरिक्ष के उपग्रहों में हैं जन सरोकार में हैं आपके मन और विचार में हैं वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने उस यात्रा को भारत के टेलीविज़न के इतिहास की जो यात्रा है हमारे साथ शुरू हुई थी और तब से लेके अब तक हम आपके साथ खड़े हैं आपके हर परिस्थिति में वो सुख हो या दुख में हम खड़े रहे हैं और आज हम दूरदर्शन का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस यात्रा वृत्ंत के बारे में कैसे दूरदर्शन किन किन पड़ाव पे पहुंचा क्या क्या बदलाव आए कैसे अलग अलग आयाम इसने स्थापित किए कैसे विस्तार हुआ इसका हम जिक्र करेंगे इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में तीन विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है चलिए उनसे आपको एक एक करके मिलवाते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अभियंत्रिकी के निदेशक चंद्रशेखर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में सर हमारे साथ सलमान हैदर सर मौजूद हैं उप निदेशक हैं समाचार के आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजकुमार नाहर जी भी मौजूद हैं सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में दूरदर्शन की यात्रा नाहर सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है आपने हम एक बार बताया था कि यात्रा कैसी भी हो हमेशा रोचक होती है दूरदर्शन की यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही है बहुत रोचक रही है हम चाहेंगे कि दूरदर्शन की यात्रा को आप अपने शब्दों में हमें बताएं हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद सबसे पहले तो आज का जो दिवस है दूरदर्शन स्थापना दिवस इंजीनियर्स डे बिल्कुल इस दिवस पर हम जिनसे हैं उन दर्शकों को पहले मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं क्योंकि हमारे दर्शक ही आज तिरसठ वर्षों से हमारे दूरदर्शन को जीवंत रखे हुए हैं और ये जो यात्राएं निरंतर जो चली आ रही हैं इसका सारा श्रेय मुझे लगता है कि हमारे दर्शक को ही जाता है और दर्शक अगर हैं तो हमारा दूरदर्शन है क्या बात है तो मैं अपने सभी सुधी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि देखिए दूरदर्शन की यात्रा तो बहुत लंबी है आ, लेकिन ये भी हम नहीं कहेंगे कि बहुत लंबी है क्योंकि यात्राएं यात्रा जो शब्द है वो निरंतर चलते रहने की चीज़ें होती हैं और आपने अभी कहा कि नहा सर आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है तो ऐसा कुछ नहीं होता है हमने भी अपने बड़े गुरुजनों से सीखा है और दूरदर्शन में मैं अगर एक आ, मुलाजिम के रूप में कार्य कर रहा हूँ तो हमने भी दूरदर्शन से बहुत कुछ सीखा है और जिस वक्त दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी उस समय मुझे लगता है कि मैं तो था भी नहीं तो यात्रा बहुत ही इसकी बहुत ही विस्तार इसकी यात्रा है और सबसे पहले जो सारी चीज़ें मुझे जानकारी है हमारे वरिष्ठ जन भी बैठे हैं वो लोग भी बताएंगे उन्नीस में हमारा दूरदर्शन का जो है ये शुरुआत हुई और उनसठ के बाद से पैंसठ में रेडियो के साथ साथ एक अंग के रूप में इसको थोड़ा सा विस्तारित किया गया बाद में 1900 पहले इसका नाम जो है टेलीविजन इंडिया इसका नाम था सलमान सर भी बैठे हैं सभी लोग टेलीविज़न इंडिया के बाद जो है 1975 में इसको हिंदी का नाम दूरदर्शन 1975 में दिया गया और जो इसका जो तीस मिनट के न्यूज़ के कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हुई और उस समय में दिल्ली के आसपास में ही इसको एक ट्रायल के रूप में शुरू किया गया और इसको देखा जाने लगा और शनह स्नह ये जो है आगे बढ़ता चला गया ब्लैक एंड वाइट में आता था बाद में 80 के दशक में एक ड्रास्टिक चेंज आया दूरदर्शन में उस समय ब्लैक एंड वाइट से रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत हुई और एशियाई गेम जो शुरू हुआ वो हमारे दूरदर्शन के जो कार्य प्रणाली थी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नई किरण या कहेंगे कि नई ऊर्जा का संचरण हुआ।, हुआ और उस समय उस कार्यक्रम का लाइव भी शुरू हुआ तो दूरदर्शन अचानक से अपने कहेंगे कि शबाब पे आ गया एकदम से उसका रुतबा जो है बढ़ गया।, बढ़, गया, बढ़ गया और उस जमाने में चूंकि कोई दूसरा चैनल नहीं था नहीं। बल्कि मैं तो आज भी ये कहूँगा कि हमारा दूरदर्शन जो चैनल है भारत सरकार का एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर हम भरोसा करते हैं इसकी विश्वसनीयता आज भी उसी तरह से बरकरार है जैसे किसी ज़माने में पहले था क्योंकि इसकी विश्वसनीयता ही हमारा आज के लिए ये धन है क्योंकि दूरदर्शन का जो मेन मकसद होता है यात्राएं अभी हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे क्योंकि दूरदर्शन का जो मेन मोटो है जो इसकी शुरुआत हुई समाचार से शुरुआत हुई फिर धीरे धीरे करके हम हर कार्यक्रम के तरफ अग्रसर हुए अस्सी के दशक में बहुत सारे कार्यक्रम आए उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे लेकिन क्या है कि शिक्षा सूचना और स्वस्थ मनोरंजन यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है क्योंकि कैसे हम लोगों को शिक्षित करें है ना ऐसी और ऐसी सूचनाएं सही सूचना ऐसा नहीं कि हम इस तरह की कोई सूचना जो है दे रहे हैं जिससे कि हमारा जो है वो हमारे दर्शक या हमारे जो श्रोता हैं वो दिग्भ्रमित हो जाएं आज भी इसकी विश्वसनीयता इसलिए कायम है क्योंकि जो भी सूचना हमारा समाचार जो है हमारे सर बताएंगे क्योंकि सूचनाएं आज भी दूरदर्शन को लोग देखकर इस बात से भरोसा करते हैं कि दूरदर्शन जो कह रहा है जो दूरदर्शन जो सूचना दे रहा है वही सत्य है. है तो हम तो आज यही मानेंगे कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दूरदर्शन की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है और दूरदर्शन शनह सनह अग्रसर हो रहा है बहुत सारी बाधाएं आती हैं बहुत सारी कमियां होती हैं बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं लेकिन हमें क्या है कि अपनी कमियों को दूर करते हुए अच्छाइयों को ही आत्मसात करना है और उनको लेकर ही हमें आगे बढ़ना है क्योंकि नई पीढ़ी आज बहुत ही आ, समझदार हो गई है तकनीकी तौर पर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं हमारा भारतवर्ष निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है तो हमें लगता है कि दूरदर्शन की जो सोच है उसके तहत अब जैसे बहुत ज़्यादा अगर बिखराव हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है नहीं। उसको कैसे कंसंट्रेट किया जाए कैसे उसका कंसोलिडेटेड जो है उसका एक कार्यक्रम की जो सही रूपरेखा है कैसे उसको बनाया जाए इस पर हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे क्योंकि आज इंजीनियर्स डे भी है और बहुत सारी सूचनाएँ हैं जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं वो भी आपको बताएंगे आगे भी मैं बताऊंगा कि 80 के दशक में हमारा दूरदर्शन कैसे, कैसे? आ, किस रूप में था लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे और भी विशिष्ट जनों से, से बातचीत हो हम सच सही मायने में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से क्योंकि हम लोकप्रसारक हैं उसके माध्यम से हम पूरे भारत तक सही सटीक चीज़ें और जानकारी पहुंचा रहे हैं बिल्कुल और एक चीज़ मैं और बता दूं क्योंकि ये दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो जो भारत सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और ये दोनों चैनल में सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी बातों को कभी भी झूठ तरीके से नहीं पेश करते हैं जब भी कहेंगे तो सत्य को ही हम बयाँ करेंगे तो इसीलिए आज भी इसकी विश्वसनीयता बरकरार, बरकरार है।, है।, है और हमें लगता है कि आगे भी चाहे कुछ हो इस पर हम भरोसा करेंगे और सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन और आकाशवाणी पर ही आज के डेट में भरोसा है भरोसा है बिल्कुल आ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब आप किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर सराब से तो आज इंजीनियर्स डे भी है उस लिहाज से ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आ, साथ ही साथ ये एक और महत्वपूर्ण दिन दूरदर्शन का स्थापना दिवस है इंजीनियर्स के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है क्योंकि आज अगर हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं इसका प्रसारण हो रहा है लोग हमारी बात सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं तो उसके पीछे इंजीनियर्स की पूरी टीम लगी है जो दिन रात काम करती है चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो जब पहली बार प्रज्ञात्मक रूप से आधे घंटे का प्रसारण शुरू हुआ था उस वक्त आप इंजीनियर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि वो दिल्ली के आसपास ही प्रसारित किया गया था लेकिन ये खबर पूरे भारत में फैल गई थी आशाएं बढ़ गई थी लोगों की और उस आशा पर खरा उतरना चुनौती भी थी जिम्मेदारी भी थी और पूरे विश्व की भी नज़र कहीं ना कहीं हम पर बिल्कुल थी बिल्कुल बिल्कुल आपने इसे किस तरीके से आप सब ने मिलकर इसे धरातल पर उतारा सबसे पहले तो मैं आज जो दूरदर्शन का स्थापना दिवस है इस अवसर पर मैं अपने सभी दर्शकों को दूरदर्शन आकाशवाणी और प्रसार भारती के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ साथ ही साथ जैसा आपने कहा जैसा हम सभी जानते हैं कि आज इंजीनियर्स डे भी है जो कि हमारे महान विभूति एम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है तो इस अवसर पर मैं भारतवर्ष के सभी इंजीनियर को चाहे वो सिविल इंजीनियर हो मैकेनिकल इंजीनियर हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो कंप्यूटर इंजीनियर हो सारे इंजीनियर और भी विभिन्न प्रकार के इंजीनियर होते हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जैसा आपने कहा कि दूरदर्शन जब उन्नीस में शुरू हुआ 15 सितंबर, आज के दिन से तो क्या चुनौतियाँ थीं और कैसे उस चुनौतियों को इंजीनियर्स ने उस समय आकाशवाणी होता था तो आकाशवाणी के जो इंजीनियर थे उन्होंने कैसे उसका निर्वहन किया बिल्कुल जब भी कोई नई सेवा शुरू होती है जिसमें कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और चूंकि दूरदर्शन एक विजुअल माध्यम था आकाशवाणी एक ऑडियो था और दूरदर्शन विजुअल माध्यम का जब सरकार ने निर्णय लिया तो दर्शकों को पहुंचाना था विजुअल तो काफ़ी बड़ी चुनौतियां थी और उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत कम थी तो जो दूरदर्शन की स्थापना हुई ब्रॉडकास्टिंग हाउस दिल्ली में तो उस समय इक्विपमेंट फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से लिया गया था फ़िलिप्स इंडिया लिमिटेड ने इक्विपमेंट का सप्लाई किया और एक छोटे से स्टूडियो में पाँच किलोमीटर का एक ट्रांसमीटर लगाया गया उसी उसी बिल्डिंग में जिसका कि कवरेज एरिया रेडियल कवरेज एरिया करीब चालीस किलोमीटर का था उससे प्रसारण हमारा शुरू हुआ और फिर जो है धीरे धीरे करके दूरदर्शन आगे बढ़ा उन्नीस से रेगुलर प्रसारण जो है तीन घंटे का शुरू हुआ उनसठ से तो शुरू हुआ लेकिन आधे घंटे का होता था वो भी सप्ताह में दो दिन पैंसठ से जो है वो रेगुलर प्रसारण शुरू हुआ कि हर दिन प्रत्येक दिन तीन घंटे का प्रसारण होगा और उन्नीस से हमारा जो सबसे पुराना कार्यक्रम है न्यूज़ के अलावा कृषि दर्शन क्रिसी दर्शन वो शुरु उसकी शुरुआत हुई जो कि आज भी चल रहा है और हमारे करोड़ों किसान जो हैं भारत कृषक का देश माना जाता है उससे लाभान्वित हुए हैं और हो रहे हैं फिर जो है उन्नीस में दिल्ली के अलावा अमृतसर और मुंबई में प्रसारण शुरू हुआ उसमें प्रसारण जो था वो एक टेस्टल ट्रांसमीटर के द्वारा किया जाता था क्योंकि उसमें सेटेलाइट की उपलब्धि नहीं होती थी और जब तक सेटेलाइट की उपलब्धि नहीं होगी आप पैन इंडिया या एक बड़े क्षेत्र का आप कवरेज नहीं दे नहीं सकते हैं नहीं सकते। क्योंकि ट्रांसमीटर का एक सीमित दायरा होता है और उस समय ट्रांसमीटर काफ़ी बड़े होते थे टेक्नोलॉजी उतनी इम्प्रूव नहीं थी तो उस समय जो है करीब 40-50 किलोमीटर के परिधि में ही हम कवरेज दे सकते थे तो जब सेटेलाइट आया इनसेट सेटेलाइट जब आया अस्सी एटीज़ में और उसी समय यह भी हुआ था सरकार ने निर्णय लिया था कि एशियन गेम्स का होस्ट करेंगे और वो दिल्ली में हो रहा था 82 में तो एशियन गेम्स को कैसे प्रचारित और प्रसारित किया जाए जिससे कि ये जन जन तक पहुंचे और भारत स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़े जब तक हम दिखाएंगे नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स को उनमें वो स्पोर्ट्स की फीलिंग और वो जो जुनून होता है वो नहीं आ सकता है तो सरकार ने निर्णय लिया कि हम बेरासी का जो एशियन गेम्स होगा वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे टीवी के माध्यम से सब कोई तो जाके देख नहीं सकते हैं गेम्स को तो उनके घरों तक हम पहुंचेंगे और उनको हम दिखाएंगे ये बहुत बड़ा चैलेंज था इंजीनियर्स के लिए जैसा आपने कहा कि इंजीनियर्स ने कैसे चैलेंज का निर्वहन किया बहुत बड़ा चैलेंज था कि पूरे भारत में कैसे हम ट्रांसमीटर लगाएँ हर जगह जिससे कि उनके टी तक जो है ये सिग्नल पहुँच सके और जैसा हम लोग अपने डिपार्टमेंट में जानते हैं सुने हैं मैं तो उस समय इस विभाग में नहीं था लेकिन मैंने सुना है कि उस समय एक टारगेट दिया गया था कि वन ट्रांसमीटर अ डे अच्छा मतलब तो एक ट्रांसमीटर प्रत्येक दिन आपको लगाना अच्छा। है और कमीशन कर देना है मतलब एयर में लेना है तो आप सोच सकती हैं कि, कि कितना बड़ा चैलेंज था कि एक ट्रांसमीटर प्रतिदिन आपको लगा देना है बहुत बड़ा चैलेंज तो उस समय के जो इंजीनियर थे हमारे जो दोस्त थे उस समय के उन्होंने उस टारगेट को पूरा किया तो तत्कालीन गवर्नमेंट थी श्रीमती इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी भारत की वो निजी रूप से इसकी मॉनिटरिंग करती थी कि ये जो हमारा टारगेट दिया हुआ है ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहाँ पे कमियाँ हैं और उस समय के इंजीनियर जो थे जब टावर जो कि एक मेटल स्ट्रक्चर होता था उसमें यदि समय पर नहीं हो सका इरेक्शन क्योंकि उद्घाटन का डेट जो है वो एक निश्चित होता था तो बांस का कुछ लगा देते थे या कुछ इस तरह की ऊंची चीजें हैं वहां पे लगा करके एंटीना लगा करके एक इंट्रीव रूप से प्रसारण शुरू एक करते जुनून था।, था जुनून था बिल्कुल जुनून अपने देशवासियों हाँ, के लिए हाँ। कि हमें घर-घर तक लोगों को बताना है कि भारत है। जो है अगुवाई कर रहा है अगुवाई कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल बेशक तो ये जाहिर तौर पर उस वक्त कुछ ऐसा माहौल रहा होगा कि जहां एंटीनाज इंस्टॉल किए जाते होंगे ट्रांसमीटर इंस्टॉल किए जाते होंगे वहाँ भीड़ एकत्रित हो जाती होगी लोगों बिल्कुल, की बिल्कुल बिल्कुल भीड़ एकत्रित होती थी और उस पूरे क्षेत्र में जिस जिला में या जिस शहर में ट्रांसमीटर दूरदर्शन के लगने का प्रावधान होता था जब काम शुरू होता था सैकड़ों की संख्या में लोग देखने आते थे क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार कुछ हो रहा था आ, सलमान हैदर सर आपसे हम यहाँ पे ये यह जानना चाहेंगे कि समाचारों का जब विश्वसनीयता की बात होती है अभी थोड़ी देर पहले नाहर सर ने कहा कि जब विश्वसनीयता की बात होती है तो हमारी निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ दूरदर्शन और आकाशवाणी पर टिकती हैं दूरदर्शन में जब समाचारों का प्रसारण पहली बार शुरू हुआ उन्नीस में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि हम उससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ रेडियो पर समाचार सुनते आए थे ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम पहली बार समाचारों को देखते सुनते और संपादन और संकलन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त थी उस वक्त का दौर कैसा था क्या चुनौतियाँ थी और किस तरीके से जो सोच थी आप सबकी समाचारों को प्रसारित करने की उसे धरातल पर कैसे उतारा आपने देखिए जब दूरदर्शन की बात आती है तो हम बहुत मोस्टैलजिक हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल संसाधन नहीं थे हमारे पास इवन जब शुरुआत हुई पंद्रह सितंबर उन्नीस को तो उससे पहले यह तय नहीं हो पा रहा था कि भारत जैसे विकासशील देश में इसकी ज़रूरत है या नहीं है क्योंकि हमारे पास आर्थिक संसाधन बहुत कम थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ था इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो फिर यूनेस्को ने इसके लिए पहल की थी उस समय बीस हजार डॉलर की सहायता भारत को दी थी जिस पैसे से जैसा सर ने बताया कि फ़िलिप्स का एक ट्रांसमीटर ख़रीदा गया था बहुत ही नॉमिनल रेट पर बहुत ही नॉमिनल दर पर फिलिप्स ने चूंकि डिमॉन्स्ट्रेट किया था इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर में दिल्ली में उन्नीस सौ के आसपास तो एक छोटा 500 सौ वाट का ट्रांसमीटर दिया जिसकी रीच दिल्ली के आसपास सीमित थी पच्चीस किलोमीटर के दायरे में और उससे शुरू हुआ अब आप देखिए ये जो सोच विचार में समय लगा रेडियो आ गया था बीबीसी शुरू होने के दो तीन सा, आ, साल बाद भारत में क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो आ, ले आए थे तुरंत ही रेडियो को 1930 में शुरू हो गया था रेगुलर सर्विस उससे पहले भी 28 और 27 में भी बॉम्बे रेडियो क्लब वगैरह से आ, छोटे स्तर पर प्रसारण लेकिन दूरदर्शन 1938 में बीबीसी ने टेलीविजन प्रसारण शुरू कर दिया था अब उन्नीस से आप देखिए उन्नीस तक बहुत बड़ा वकफा है यह सोच विचार करने में लग गया तत्कालीन सरकार को कि इसको शुरू किया जाए भी या नहीं इंडिया के लिए क्या रिलेवेंस है क्योंकि टेक्नोलॉजी आज जैसी होती तो एक झिझक भी नहीं होती शुरू करने में क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी आज के दौर में कॉस्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन उस समय थी और एक चीज़ और आ, मतलब विषय से अलग हट के ही मैं बताना चाहूँगा आपने चंद्रशेखर सर ने मॉडेस्टी के कारण नहीं बताया इंजीनियर के अलावा और कोई नहीं था जो इस काम को शुरू कर सके ट्रेंड कैमरामैन हमारे पास नहीं थे तो जो पहला कैमरा चलाया था वो एक इंजीनियर नहीं चलाया था उस समय प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं थे तो आ, ये जो शुरुआत हुई ये अपने आप में बहुत ये थी अब आप समाचारों पे आते हैं हम तो अखबार आपके घर रोज सुबह आ जाता है ठीक है अगर हॉकर नहीं हो तो वो सारा अखबार कहाँ पढ़ा रह जाएगा जहाँ से छपा है वो वहीं पढ़ा रह जाएगा हमने प्रसारण तो शुरू कर दिया लेकिन रिसीविंग सेट तो किसी के पास नहीं है है ना टेलीविज़न सेट होगा तो लोग देखेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की वो जो बीस हज़ार डॉलर यूनेस्को से मिले थे उसके उस पैसे से जो ट्रांसमीटर खरीदा बाकी पैसे से टेलीविज़न रिसीविंग सेट खरीदे गए और भारत में तो बनता नहीं था सब बाहर से आए अमेरिका ज़्यादा जापान या और दूसरे देशों से इवन जब कलर टेलीविज़न शुरू हुआ तो बड़े पैमाने पर ज़रूरत पड़ी तो कुछ तो टेलीविजन सेट इम्पोर्ट होते थे और कुछ किट्स आते थे कोरिया से और दूसरे देशों से ताइवान से किट्स आकर के वो इंडिया में असेंबल होते थे और उसके लिए कंपनी बनी हर स्टेट में कंपनी बनी जैसे बिहार में बेल्ट्रॉन है बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पहली बार कलर टेलीविजन इंडिया में इंडिया के लिए बनाया तो रिसीविंग सेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए कम्युनिटीज को उस समय उसको बोलते थे कम्युनिटी सेट्स अब आते हैं समाचारों पे समाचार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो ब्रॉडकास्टिंग हाउस की पांचवीं मंजिल पर पहली बार दूरदर्शन <coughs> से प्रसारण समाचार का शुरू हुआ प्रतिमा पुरी आपकी तरह ही पहली लीजेंडरी एंकर बनी जिन्होंने समाचार पढ़ा और शुरुआत में जो कि टेक्स्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं थे हालांकि भारतीय सूचना सेवा की का गठन हुआ था 1960 में और उसके कैडर के अधिकारी दूर आकाशवाणी का जो समाचार सेवा प्रभाग है उसको संभालते थे तो शुरुआती दौर में जो भी कॉपी समाचार की रेडियो की बनती थी वही उठ करके दूरदर्शन में आ जाती थी और उसको सीधे सीधे पढ़ दिया जाता था आज की तरह के टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं थे उसको कैमरा लगा करके सामने स्क्रीन पर वो टेक्स्ट पढ़ा जाता था तो जो शुरुआती समाचार थे उनमें विजुअल्स की संख्या बहुत कम हुआ करती थी क्योंकि हमारी जो ओ टीम है वो तो बहुत बाद में बनी और संसाधन भी बहुत बाद में आए तो कुछ गिने चुने आ, समाचार जो है वो विजुअल के साथ होते थे आ, बाकी जिन्हें हम ड्राई आइटम्स कहते हैं वो हुआ करते थे तो जो स्टैंडर्ड बुलेटिन उस समय का हुआ करता था वो 20 मिनट का होता था और उसके बाद जो बाकी का जो 10 मिनट होता था आधे घंटे के प्रोग्राम में वो इंटरटेनमेंट पे बेस्ड होता था और ज़्यादातर जो हमारा सिनेमा इंडस्ट्री है उस पर से आता था और उस समय की टेक्नोलॉजी अगर अब कभी आप दिल्ली में आकाशवाणी भवन जाएँ रेड ब्रिक बिल्डिंग जिसको कहते हैं वहाँ पे एक म्यूज़ियम जैसा बना रखा है तो उस समय के टेप इतने बड़े बड़े टेप और इतने चौड़ाई में वो एक देखने वाली चीज़ है और आ, मैं यही कहूँगा कि दूरदर्शन अपने आ, जो स्थापना काल से ही सूचना शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में उसने बहुत काम किया है प्रोफेशनल थे नहीं तो बहुत सारी मदद बॉलीवुड से ली गई जो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री थी उस समय आ, केली मिस्त्री जैसे लोग थे कैमरा पर्सन थे जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी जो मास्टरी थी सिनेमेटोग्राफी में वो बेजोड़ थी तो बहुत सारी बहुत सारा जो हमारा कंटेंट होता था वो सेलुलाइड पे ही होता था और उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता था एक टेलीसिने यूनिट आया करती थी जिससे कि जो सेलुलाइड पे जो भी है उसको प्रोजेक्शन दे करके उसको फिर हम टेप पर लेते थे और वो चलाते थे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ आ, बताने को है आ, आ, और शिक्षा के क्षेत्र में तो जैसे आ, सर भी बताएंगे कि आ, जब तक सैटेलाइट प्रसारण शुरू नहीं हो गया तब तक हम आ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे तो बहुत सीमित दायरा था दिल्ली से बॉम्बे आने में कई वर्षों का वक्त लगा टेलीविज़न को और आ, जैसे अगर हम बिहार की भी बात करें तो मुजफ्फरपुर में पहला टेलीविज़न प्रोडक्शन सेंटर 79 में खुला आ, और एक मज़ेदार बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अमृतसर में जब उन्नीस में टेलीविज़न सेंटर खुला प्रसारण शुरू हुआ वहाँ से उससे पहले तक लाहौर डिवीज़न हो चुका था लाहौर लोग एंटीना लगा करके बॉर्डर के इस तरफ पाकिस्तान का टेलीविज़न दिखा करते थे जो हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात कह सकते हैं तो जब अमृतसर का शुरू हुआ तो स्थिति कैसे पलटी अमृतसर का शुरू होने के बाद जो भारतीय सिनेमा देखने की रुचि लाहौर वालों को ज़्यादा हो गई वहाँ तक टेलीविजन का आ, रिसीविंग होती थी सिग्नल पहुँचता था वहाँ तक तो वो हमारे जो कार्यक्रम थे वहाँ ज़्यादा लोकप्रिय हो गए बजाय उनके हमारे यहाँ देखे जाने के तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया मुझे लगता है अभी के लिए काफी है और बिल बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी और कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें किताबों में नहीं मिलती हैं वो आप जैसे लोगों के जरिए ही हम तक ये बातें आ सकती हैं नहर सर आपने अस्तित्व तक की जो यात्रा रही ascii के दशक की जो यात्रा रही दूरदर्शन की उसका जिक्र आपने किया आपने कहा था कि उसके बाद की यात्रा वृतांत में बाद में बताऊंगा बिल्कुल बहुत सारी फिर वहां से आप शुरू करें हम हाँ, चाहेंगे मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो चंद्रशेखर सर ने कहा सलमान सर ने कहा निश्चित तौर पर दर्शक भी बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं देख रहे हैं और उनको भी बहुत ही जिज्ञासा हो रही है कि और आगे क्या क्या है और आगे क्या क्या है हम नेट पे देख के बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन ये जो जानकारी है ये संभवतः कही जल्दी नहीं नहीं कहीं नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं ये कह रहा था अस्सी के दशक की बात तो हुआ क्या कि जैसे जो दूरदर्शन धीरे धीरे जब सनह सने आगे बढ़ने लगा तो जो उसका प्रसारण था वो आहिस्ता आहिस्ता उसके समय का की बढ़ोतरी होने लगी जैसे जो भी केंद्र खुले दो घंटा हुआ फिर उसके बाद तीन घंटे हुए फिर चार घंटे हुए इस तरह से करके समय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा आहिस्ता आहिस्ता कार्यक्रमों का जो कंटेंट है किन किन के लिए कार्यक्रम होना चाहिए क्योंकि सूचना तो थी ही शिक्षा भी थी और जैसा कि सर ने भी कहा कि कृषि दर्शन कब से शुरू हुआ तो कृषि प्रधान देश है हमारा भारतवर्ष अस्सी प्रतिशत लोग गाँव में बसते हैं और आज भी आपने देखा होगा कि दूरदर्शन का जो कृषि दर्शन का कार्यक्रम होता है तो उस वक्त पे सारे लोग क्या सूचना है किस तरह की जानकारी है कृषि से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ों को देखने सुनने के लिए लोग टी के सामने बैठ जाते हैं तो जब समय धीरे, धीरे धीरे बढ़ना बढ़ने लगा केंद्रों की भी संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे लोगों की जिज्ञासा बढ़ने लगी लोग दूरदर्शन देखने लगे तो फिर 2003 में 24 घंटे का भी केंद्र का आरंभ हुआ 2003 में 2003 में 24 घंटे का केंद्र शुरू हुआ और धीरे धीरे करके कई सारे केंद्र डीडी नेशनल डीडी स्पोर्ट्स ये डीडी भारती इस तरह से बम्बई कलकत्ता जैसा कि सर ने कहा बिहार के बारे में केंद्रों की संख्या बढ़ने लगी कि हाँ केंद्रों की संख्या बढ़ने लगी दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी और 80 के दशक में वो जो एशियाई गेम हुआ था 82 में जिसके बारे में सर ने कहा कि कैसे उसको एक चैलेंज था इंजीनियर्स के लिए भी और कार्यक्रम के लिए भी एक चैलेंज था कि उसको कैसे स्पोर्ट्स को किस तरह से कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाए किस तरह से उसको दिखाया जाए जन जन तक पहुँचे हम तो उसके बाद से धीरे धीरे जो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बने जो मील का पत्थर आज भी साबित हो रहे हैं रामायण महाभारत हम लोग बुनियाद बुनियाद मतलब कितना नाम हम लें बहुत सारे कार्यक्रम हैं मैंने तो बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग मालगुडी डेज माल बहुत सारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वो कार्यक्रम का इतना प्रभाव पड़ा कि लोग उस वक्त में सारे काम छोड़कर उस समय में पूरे परिवार के साथ लोग दूरदर्शन देखने के लिए बैठ जाते, जाते थे बल्कि मैं ये बताऊं कि जैसे मोहल्ले में एकाक टेलीविज़न अगर आ जाता था तो पूरे मोहल्ले के लोग मोहल्लेवासी जो भी हैं बच्चे बच्चे सभी लोग जाके एक जगह एकत्र हो जाते थे यानी कि रामायण और महाभारत का जब प्रसारण होता था तो जैसे लगता था कि पूरे शहर में कर्फ्यू, ब, आ, कर्फ्यू लग गई है पूरा रोड वगैरह सब कुछ हर लोग अपने दूरदर्शन टीवी के सामने बैठकर उस कार्यक्रम को देखते थे और कार्यक्रम की गुणवत्ता भी ऐसी थी क्वालिटी ऐसी थी इतने बड़े बड़े लोग उसमें आए अशोक कुमार से लेके जो कि बॉलीवुड के स्टार ही नहीं बल्कि उनको दादाम के नाम से और उनको लोग बिल्कुल महारथी के रूप में देखते हैं और जानते हैं तो वैसे लोग दूरदर्शन में आए और कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जैसा कि सलमान सर ने कहा कि मुजफ्फरपुर इस बिहार का सबसे पहला केंद्र रहा है लेकिन उसके बाद फिर पटना केंद्र खुला यहाँ भी लगता है कि पुराने स्टूडियो में सर आधे घंटे का प्रोग्राम फिर दो घंटे का प्रोग्राम फिर धीरे धीरे आहिस्ता करके बढ़ा 2013 में ये केंद्र भी जैसे अन्य केंद्र 24 घंटे का जब धीरे धीरे होने लगा तो उस समय चार केंद्रों का अनाउंस किया गया और ये हुआ कि तुरंत में चारों केंद्रों को 24 फोर आवर्स चैनल बनाया जाना चाहिए और उसमें एक पटना का भी नाम था बिहार का भी जिसको कि डीडी बिहार चैनल के नाम से दिया गया जयपुर का था भोपाल था इस तरह से और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि उस समय में बिहार कैडर के, के ही आई एस श्री त्रिपुराजी शरण जी थे और यहाँ पर एक साहित्य के बहुत ही बड़े विद्वान थे कृष्ण कल्पित जी वो यहाँ निदेशक हुआ करते थे तो इन लोगों पर जिम्मेदारी दी गई कि कैसे इसको 24 घंटा किया जाना है और जो हर स्टेट में जो दूरदर्शन जो खोला गया उसका मेन मकसद यही था कि वहाँ का जो मेन जो खुशबू है वहाँ का जो कंटेंट है वहाँ की जो लोक संस्कृति है वहाँ की जो लोक भाषाएं हैं वहाँ के लोक संगीत वहाँ का पहनावा ओढ़ावा वहाँ का खान पान रहन सहन उसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने तो जैसे डीडी बिहार ही जब 2013 में जब इसकी शुरुआत हुई तो पूरा कार्यक्रम का जो है ये एक रूपरेखा तैयार की गई और वैसे भी दूरदर्शन हो या आकाशवाणी इस का मेन मकसद जैसा कि सभी लोगों ने बात की कि भाई सूचना शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन ये था और एक खासियत हमारे प्रसार भारती भारत सरकार और दूरदर्शन आकाशवाणी की है कि हम इसका जो बुनावट है ये कार्यक्रम के का जो पूरा 24 फोर आवर्स हो या फोर आवर्स हो या जितने भी आवर्स हो उसमें हम हर आ, आ, उम्र के लोगों के का ख्याल रखते हैं इसमें बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक का कार्यक्रम होता है महिलाओं का कार्यक्रम होता है यूथ के लिए बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं ताकि उनको मोटिवेट किया जाए मोटिवेशनल्स प्रोग्राम होते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है कला संस्कृति उसका संवर्धन दूरदर्शन और आकाशवाणी ही करता चला आ रहा है और उससे भी कि, कि, किन किन का नाम मैं गिनाऊं <laughs> क्योंकि दोनों हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी गण बैठे हैं बहुत सारी बातें हैं कि अगर हम लोग कर करन, करने लगेंगे तो समय पूरा ही मतलब हम लोगों को 24 घंटे बोलते रहेंगे भिल्कुं, भिल्कुं। तो उस उस लिहाजा से अगर हम ये देखें तो दूरदर्शन आज के डेट में जितनी भी सूचनाएं, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन के अलावा भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनकी सोच है भारतवर्ष कैसे विकास की ओर अग्रसर हो विश्व स्तर पर हमारे देश का झंडा जो है किस तरह से लहलहाता रहे किस तरह से हमारे कृषक हमारे बच्चे हमारे यूथ हमारा बुज़ुर्ग हमारी महिलाएं सशक्त हों मज़बूत हों किस तरह से वो आगे पूरे विश्व में उनका नाम हो उसके लिए जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से उसका प्रसारण करते, करते हैं प्रसारण करते हैं तो इसके लिए हमें गर्व है कि जो भारत सरकार और हमारा जो दूरदर्शन का जो कैमरा है आज भी हमें इस बात का गर्व है हम जितने भी हमारा दूरदर्शन में एक सबसे बड़ी और भी खूबी है कि जैसे एकात्मकता का प्रतीक है भारतवर्ष हर धर्म संप्रदाय के लोग हमारे भारतवर्ष में उनका सम्मान होता है उनकी इज्जत होती है और उनके धर्म का उनके बुज़ुर्गों का उनके संस्कृति का बहुत ही हम आदर करते हैं तो उसी तरह से हमारा जो दूरदर्शन है उसका जो कैमरा है उसकी पहुंच आज भी एकमात्र हमारा संसद में चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो पार्लियामेंट हो या माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारा दूरदर्शन का कैमरा ही पहुंचता है हमारी जो सूचनाएं हैं हमारे न्यूज़ के जो पदाधिकारी गण हैं या हमारे जो इंजीनियरिंग भाई हैं हमारा जो चारों विंग है चाहे वो प्रोग्राम हो चाहे वो हमारा इंजीनियरिंग विंग हो चाहे वो हमारा न्यूज़ का जितने भी वरिष्ठ या कनिष्ठ हमारे अधिकारी कर्मचारी हों या हमारा एडमिन सेक्शन हो वो चारों पिलर हैं उन चारों पिलर के बगैर हम एक सेकंड का भी कार्यक्रम हम अपने दर्शकों को तक लेकर नहीं आते हैं नहीं आ सकते। तो ये जो मजबूती है और इस मजबूती को और भी सशक्त बनाने में जो हमारा भारत सरकार या प्रसार भारती या हमारे जो डायरेक्टरेट है महानिदेशक महोदय या जितने भी वरिष्ठ क्या कनिष्ठ उनका जो साथ है ये हमारे दूरदर्शन को शनह शनह आगे बढ़ा रहा है और मुझे लगता है कि इसकी विश्वसनीयता जो है और इसके कार्यक्रम ये कभी भी अभी आगे भी मैं बताऊंगा कि कैसे अभी कोरोना काल में क्या क्या हुई उसकी भी चर्चा मैं करूंगा और हमारा जो दूरदर्शन है वो सिर्फ जैसे कृषि के अलावा स्वास्थ्य का प्रोग्राम करता है क्योंकि कर हेल्थ हम हर चीज़ पर ध्यान देते हैं ऐसा नहीं कि किसी मैं किसी चैनल की शिकायत भी नहीं करूँगा क्योंकि सब हमारे भाई बंधु है। हम हैं हम सभी हमारे सब अपने हाँ सभी हमारे अपने हैं लेकिन हमारा क्या है कि हम हर चीज़ों को लेकर चलते हैं हम ऐसा नहीं कि आज का समय है, हाँ हमें उस चीज़ के साथ चलना है नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी ये कैसे जान पाएगी कि नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ों को हम कैसे जाने लेकिन क्या है कि जो हमारा संस्कार है हमारी परंपरा है जो हमारी धरोहर है उसको हम जरूर संरक्षित रखते हैं और वही हमारा सबसे बड़ा धन है और उसमें हम कोई परिवर्तन उसको उसकी रीपैकेजिंग करेंगे उसको और खूबसूरत ढंग से सजाएंगे लेकिन उसका जो मेन जो गूढ़ तत्व है उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो हमारा जो है वो बरकरार बरकरार रहे हमारी जड़ें हमेशा जड़े। मजबूत रहे मजबूत रहे और भारतवर्ष जिन चीजों से जाना जाता है बिल्कुल जिस पर हमें गर्व है जिन पर हम हमें फक्र है क्योंकि विश्व गुरु के रूप में भारतवर्ष को पूरा विश्व देखता है और जानता है बिल्कुल क्योंकि जब प्रसार भारती की बात होती है जब भारत सरकार में जब दूरदर्शन लिखा होता है वहां सामने लिखा रहता है भारत का लोक प्रसारण बिल्कुल और ये देख कर हम सब लोगों को बहुत गर्व होता है कि हम जो भी कह रहे हैं वो जनता के हित की बात कह रहे हैं। बिल्कुल है। और जनहित की बातें हम करते हैं दूरदर्शन के नीचे लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम आकाशवाणी में बहुजन हिताय बहुजन, बहुजन सुखाए सुखा हम स्वांता हिताय स्वांता सुखाय नहीं करते हैं हम जनहित की बातें करते जन हैं जनहित की बात करते हैं आ, आपने कहा कि स्वरूप लगातार बदलते गए जैसे जैसे स्वरूप बदला वैसे वैसे इंजीनियर्स के ऊपर जो है जिम्मेदारी बढ़ती बिल्कुल है। और सारा का सारा दारोमदार क्योंकि कार्यक्रम तैयार है हमने एंकरिंग कर दी हमने कार्यक्रम जो है वो उसका पूरा हो गया अब आती है बात की एडिटिंग कैसी होगी उसका प्रसारण कैसे होगा सारा का सारा दरमदार इंजीनियर्स पर इनकी तरफ से छोटी सी कोताही सारी मेहनत शायद शून्य हो जाएगी जब अस्सी के दशक के बाद जब करल कलर टेलीविज़न आए जब प्रसारण धीरे धीरे बढ़ने लगा पहले तीन घंटे फिर चौबीस घंटे जब शुरू हुआ तो जाहिर तौर पर सबकी निगाहें आपके ऊपर डेडलाइंस जो है वो आपको फॉलो करने थे ये सब संभव कर पाना कैसे संभव किया आपने उस समय के जो इंजीनियर थे उन्होंने अपना एक टारगेट के रूप में लिया था जो दिया गया था उन्होंने और उन्होंने किया हर जगह उन्होंने ट्रांसमीटर लगाया चाहे वो लो पावर ट्रांसमीटर हो, हाई पावर ट्रांसमीटर हो, लगाया स्टूडियो की स्थापना हुई और वहाँ से जो आज के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूरदर्शन जो है वो बीस से ज़्यादा राष्ट्रीय और रीजनल चैनल का संचालन कर रहा है साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव करती गई पहले एनालॉग ट्रांसमिशन थे फिर डिजिटल हुआ डिजिटल में फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन आया और आज के समय में दूरदर्शन के जितने स्टूडियो हैं वहाँ जो प्रोडक्शन होता है चालीस से ज़्यादा स्टूडियो लगभग छियालीस स्टूडियो हैं पूरे भारतवर्ष में वहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो एच माध्यम में हो रहा है तो टेक्निकल क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान दिया गया आ, जो प्रसार भारती ने ये इस चीज़ को समझा कि हम एक टेक्निक एक, एक टेक्निकली हाई क्वालिटी का सिग्नल आ, जो विजुअल है उसको हम दर्शकों तक तो पहुंचाना है और उस पर अभी भी काम चल रहा है बहुत तरह के नए नए इक्विपमेंट आए हर जगह रीजनल न्यूज़ यूनिट की स्थापना हुई सेटेलाइट दिया गया डी एस एन जी दिया गया वो भी वैन दिया गया जिससे कि हम जो डिफरेंट फील्ड uh, में कार्यक्रम होते हैं चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो या भारत सरकार के कार्यक्रम हो, होंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हो इसका कवरेज किया जाता है तो सारे लोग दूरदर्शन के सारे लोग इस काम में हुए हैं मैं एक चीज़ में जोड़ना ये चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि इस आज के समय में इतने चैनल की के बीच दूरदर्शन का क्या औचित्य है और दूरदर्शन क्यों होना चाहिए मैं ये बताना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर कि दूरदर्शन का औचित्य पहले भी था आज भी है और आगे भी रहेगा वो इसीलिए रहेगा कि दूरदर्शन का जो मैंडेट है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का वो मैंडेट है कि आपको भारत के गांव गांव तक भारत एक लिंग्विस्टिक स्टेट है बिल्कुल इसमें कि डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं डिफरेंट आ, आपका डिफरेंट खाना पीना होता है कल्चर डिफरेंट है तो उन सभी को कैसे मौका दिया जाए कैसे जो सुदूर एरिया में बैठे हुए किसान हैं कलाकार हैं उनको कैसे मौका दिया जाए उनके लैंग्वेज का प्रसारण कैसे हो और सही सूचना सही समाचार कैसे संकलन किया जाए और उनको प्रसारित किया जाए ये मैंडेट केवल दूरदर्शन के पास है और जैसा इन्होंने बताया और हमारे सलमान जी ने बताया कि दूरदर्शन का जो समाचार है उसी पर लोगों का विश्वास, विश्वास है बिल्कुल है। और जब किसी समाचार को लोग देखते हैं दूसरे चैनल पे तो उसका वेरिफिकेशन डीडी न्यूज से करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो डीडी न्यूज न्यूज हो हो या हमारा रीजनल यूनिट हो, हमारे समाचार हो तो ये जो विश्वास है ये दूरदर्शन परिवार प्रसार भारती परिवार हमेशा बना के रखेगा बना के रखेगा सलमान हैदर सर जो की अभी कहा कि विश्वसनीयता जो है लोगों की इतनी है कि कुछ भी होता है तो हम आंकड़ों के लिए सटीक आंकड़ों के लिए दूरदर्शन को ही लगाते हैं ट्यून करते हैं ऐसे में अभी का जो दौर है टी का रेस है आगे निकलने की होड़ है समाचारों को सबसे पहले प्रसारित करने की जो होड़ है उसमें खुद को मजबूती से खड़ा रखवाना कैसे संभव होता है कैसे करते हैं पहली चीज़ तो ये है कि हम टीआरपी की रेस में नहीं बिल्कुल बिल्कुल उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर एक लोक प्रसारक होने के नाते हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वो टीआरपी के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं हमारा जो आ, पूरा सेटअप है जो नेटवर्क है वो विश्व के बड़े टेलीविज़न नेटवर्क्स में से एक है तो इस मामले में भी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी, भी हमारा मुकाबला किसी से नहीं और टीआरपी की जहां तक बात करते हैं हम अगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो डी है जो हमारा फ्री डिश ये देखने वाले ही इनकी ही संख्या अगर हम ले लें तो वो किसी भी चैनल की टी से कहीं ज़्यादा है ठीक है तो टी की दौड़ में हम कभी नहीं खबरों की विश्वसनीयता अक्सर हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम खबरों के मामले में बहुत लेट लतीफ होते हैं उसके पीछे कारण दो हैं खबरों की विश्वसनीयता की पुष्टि किए बिना हम कोई समाचार नहीं देते और दूसरी चीज़ कोई भी सामाजिक विद्वेश ना पैदा हो जाए समाज में इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो इन दो बातों का ख्याल करके ही हम सब खबरों का चयन भी करते हैं खबरों की पुष्टि करते हैं और उसके बाद ही देते हैं जल्दीबाजी में हम कुछ ऐसा कर दें जिससे कि विभ्रम फैले और झूठ का प्रचार हो जाए ये काम दूरदर्शन ने या आकाशवाणी ने कभी नहीं किया और सर अभी आपने कोरोना में भी जो सूचनाएं दी जी उस भीषण दौर में उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कृपया देखिए कोरोना में जब सब कुछ बंद था हाँ। उस वक्त हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ गई थी तो उस समय समाचार निर्बाध रूप से चलते रहे हाँ। और आ, मैं आपको बता दूं हमारे डिप्टी डायरेक्टर लेवल के छः अधिकारियों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई बिल्कुल अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सिर्फ इसलिए कि जनता के बीच सही समाचार और सही सूचनाएं पहुंचे कोरोना के संबंध में जो विभ्रम है या जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी हमने और कोरोना काल में सही सूचना के साथ साथ जो एजुकेशन की बात एजुकेशन, हो रही है कि उस समय में सारे स्कूल कॉलेज बंद थे लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया उन्लाइन गया पढ़ाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल तो क्योंकि और... गांव तक मोबाइल नहीं थे नहीं थे और एक और मैं बता दूं कि अभी के वर्तमान समय में जैसे अस्सी के दशक में बहुत सारे मील का पत्थर कार्यक्रम बना उसी तरह से आज के डेट में हमारे प्रसार भारती के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं खास करके माननीय प्रधानमंत्री अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है मनाया भी गया है तो उसमें स्वराज सीरियल एक बहुत ही बढ़िया आजादी के वैसे मनुष्यों के ऊपर केंद्रित कार्यक्रम किया गया है जिसको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बैठकर देखे हैं और उसकी बहुत प्रशंसा हुई है और उसका हम पूरे भारतवर्ष के हर केंद्र से उसका प्रसारण करते हैं तो दर्शकों से भी हम कहेंगे कि स्वराज ही नहीं देखें इसके बाद भी कई कार्यक्रम आने वाले हैं दूरदर्शन से जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दूरदर्शन आपका था दूरदर्शन आपका है और हमेशा आपका दूरदर्शन आपके साथ रहेगा क्या और हमारे दर्शक क्या अपेक्षा हमसे रखते हैं ये फीडबैक भी हमारे लिए जरूरी है बिल्कुल तो बताते भी रहे जी कि क्या और चाहते हैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो दूरदर्शन जनता की सेवा के लिए है दूरदर्शन की जो लोक प्रसारक की भूमिका है यानी हम संवर्धन करने की जो बात करते हैं और इसी क्रम में सर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय संवर्धन का? और संरक्षण संरक्षण आर्काइव्स आर्काइव्स हाँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय गांव-गांव गाँग तक जिस वक्त लैपटॉप या मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा जिन गाँव में नहीं थी जिन क्षेत्रों में नहीं थी वहां तक बच्चों की स्कूली शिक्षा चालू रही तो सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन की वजह से और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे इंजीनियर्स ने निभाई हमारे समाचार का जो विंग है उसमें जितने अधिकारी हैं उन्होंने निभाई जितने कर्मी उन्होंने निभाई और कार्यक्रम की बात करें सर तो कार्यक्रम जितने भी प्रसारित होते हैं वो कृषि दर्शन हो महिलाओं पर केंद्रित हो बच्चों पर केंद्रित हो उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल कार्यक्रम की भूमिका हमारे प्रशासनिक जो लोग हैं उनकी भूमिका तमाम लोग जितने जुड़े हैं चाहे वो कैमरा पर्सन हो प्रोड्यूसर हो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हों केंद्राध्यक्ष हो हर लोग का एक साथ होता है तभी हम आप तक पहुंच पाते एक हैं। एक टीम वर्क है हम सब साथ मिलकर काम करते हैं चाहे वो हमारे एक छोटे से छोटे अधिकारी या कर्मचारी क्यों ना हो हम सबको साथ लेकर चलते हैं और इसी ध्यय के साथ दूरदर्शन आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहेगा फिलहाल आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए इतनी रोचक बातचीत के लिए इतनी सटीक बातचीत के लिए आपका हृदय से धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को दर्शकों हमारा पता नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना फ्रेजर रोड आठ शून्य 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 एक हमारे ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर एडीडी के पटना एट द रेट जी मेल डॉट कॉम